हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेगुलर स्किन केयर रिजीम क्या होनी चाहिए या स्किन केयर इसेंशियल्स क्या होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा था पहले वीडियो में CTM करना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही अगर हम क्लेंजर्स की बात करें तो पहले मैं बताऊंगी ऑयली स्किन के लिए आप कोई भी टी ट्री बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल करें या फेस वॉश इस्तेमाल करें या क्लव हो उसमें ये देखें या कोई भी मिंट फ्लेवर हो, ताकि आपके स्किन में से या आपके फेस में से ऑयलीनेस जो आता है वो कम दिखेगा। टोनर की अगर हम बात करेंगे, कोई भी रोज जैसे फ्रूट टोनर्स आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर ऑयली स्किन या एस्ट्रिंजेंट, क्योंकि उसके अंदर वीचेजर होता है। एंड अगर हम मॉइस्चराइजर की बात करें तो काफ़ी बार ऑयली स्किन के ऊपर ड्राइनेस तो वैसे नहीं आता है, बट हल्का फुल्का अगर खींचापन लगा आपको तो आप उसके लिए कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे क्यूकम्बर बेस्ड हो या मिंट फ्लेवर का हो तो वो मॉइस्चराइजर्स आपको ज़्यादा काम आएंगे। ऐसे ही अगर हम ड्राई स्किन की बात करते हैं तो जैसे क्लेंजिंग या फेस वॉश की बात करेंगे तो हमें माइल्ड फेस वॉश या माइल्ड क्लेंजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सीताफील करके आता है जिसके अंदर ज़्यादा फोम नहीं होता है, बट ड्राई स्किन के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। क्लेंजर्स के बाद अगर हम टोनिंग की बात करते हैं तो अगेन फ्रूट टोनर्स आप इस्तेमाल करें या हनी टोनर्स का इस्तेमाल करें। एंड देन अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो विटामिन ई बेस या विजम बेस, ऐसे मॉइस्चराइजर सेफ्रॉन बेस मॉइस्चराइजर्स आप ज़रूर लगा सकते हो। और रात को ड्राई स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्रीम का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको फैटी एसिड्स होंगे और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेस्ड अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ किए तो रिंकल्स फाइन लाइंस ड्राइनेस से आप ज़रूर बच पाओगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज दैट इज लीज ब्यूटी ऑफिशियल। थैंक यू।